हेलो दुष्यंत जी। या हाय सचिन जी, आई एम सो सॉरी, आपके बिजी शेड्यूल में से आपको निकाल लिया मैंने बाहर। देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन, लेकिन मैंने सोचा था मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा इस स्टोर को। मेरे लिए इम्पॉसिबल है बिकॉज यू हैव अ वेरी ह्यूज कलेक्शन, सो आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू क्विकली कि टेल अस अबाउट दिस स्टोर प्लीज। इट्स माई प्लेजर टू हैव यू हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर कमिंग ओवर। यू वेलकम सर। सो हमारी जो कंपनी, इट्स राधा माधव मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड जी, और ये 1990 में इट वॉज बींग एस्टेब्लिश्ड। अच्छा। हाँ, सो इट्स बीइंग मोर ऑलमोस्ट 30 इयर्स नाउ फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ऑलराइट। एंड द की फीचर, लाइक की प्रोफाइल ऑफ आवर कंपनी इज दैट वी आर बेसिकली इंपोर्टर्स, प्रोसेसर, ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ नेचुरल स्टोन्स। ओके। सो इसमें नेचुरल स्टोन में वी आर डीलिंग इन इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट्स, इंजीनियर्ड क्वार्ट्स, लैमिनम, सेमी प्रीशियस स्टोन, ऑनेक्सेस, पोर्सलिन स्टोन्स। सो बेसिकली वी आर डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन्स अंडर वन रूफ। Okay. So this is our, you can say this is our USP, and Okay, cool. So हम क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है आपके पास, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो फ्लोरिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं आप जो प्रोवाइड कराते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं जो इंडिया में जो ज़्यादा चलता है? सी, आज हम अगर मार्बल का बात करें तो ऑफकोर्स एक इम्पोर्टेंट मार्बल आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। अच्छा। एंड मोस्टली पीपल आज का जो ट्रेंड समझ लो, चलन समझ लो, या जो आज हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन समझ लो, सो कस्टमर का पहला डिमांड होता है दे वॉन्ट्स इटालियन मार्बल, और लेट्स से अगर उसको वाइडन टर्म में ले तो बेसिकली इट्स बीइंग कॉल्ड एज इन यूरोपियन मार्बल। ओके। नाउ ऑफकोर्स इंडियन मार्बल के अंदर इतना ज़्यादा कलर वेराइटी कलेक्शन नहीं मिलता, मोस्टली हमको वाइट्स के कलेक्शन ज़्यादा आते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट बेज कलर, ग्रे कलर्स एंड मोर कलरफुल वेराइटीज़ के अंदर जम जाते हैं तो आपको मोस्टली यूरोपियन मार्बल में ही आपको मिलता है। नाउ टू डिफ्रेंशिएटेड, वैसे मार्बल हमारा जियोग्राफिकली अगर हम देखें इम्पोर्टेंट मार्बल भी, इट्स डिवाइडेड इंटू टू कॉन्टिनेंट्स, वन इज़ यूरोपियन एंड वन इज़ गल्फ़। अच्छा। यूरोपियन में जो आपका इजिप्शियन, ओमानियन, ईरानियन स्टोन हो गया, और ये जो बेसिकली जो कंट्रीज हो गई जैसे इजिप्ट, ओमान, ईरान, यहाँ से मार्बल आता है। और अगर मैं यूरोप का बात करूँ, अगर मैं इटालियन मार्बल का बात करूँ, तो इटालियन मार्बल का एक बहुत बड़ा मिथ है कस्टमर्स के माइंड में कि इटालियन मार्बल सिर्फ जो इटली से आता है उसी को हम आज इम्पोर्टेड या इटालियन मार्बल बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। होता क्या था, मार्बल यूरोप की हर कंट्री में है। ओके। आइदर फ्रॉम इटली, स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल, फ्रांस, हर कंट्री से मार्बल आ रहा है। अ डिकेड बिफोर जो भी मार्बल यूरोप से आ रहा था, इट वॉज बींग आप कह सकते हो मार्केटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जस्ट इटालियंस। तो वो पूरा मार्केट का जो ब्लॉक्स का इन्वेंट्री है वो इटली में आता था और वहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रहा था। बट नाउ ट्रेंड हैव चेंज्ड, हर कंट्री इज सेल्फ इंडिपेंडेंट, हर कंट्री का इंडिविजुअल प्रमोशन हो रहा है। और सो अब हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये मार्बल ग्रीस से आ रहा है, ये स्पेन से आ रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम क्रोएशिया, इट्स कमिंग फ्रॉम टर्की, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो अगर मैं अच्छे क्वालिटी मार्बल की बात करूँ, सो ऑफकोर्स यूरोपियन मार्बल्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोर एक्सक्लूसिव मार्बल्स एंड मोर क्वालिटी वाइज बेटर इन टर्म्स की अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, लाइक जो एक गल्फ कंट्री का मार्बल है वो मोर अ काइंड ऑफ अ लाइमस्टोन है, इट्स नॉट अ रियल मार्बल। आज क्या है, हमारे यहाँ पे कोई भी मार्बल या स्टोन है उसको हम बोल देते हैं कि सर ये मार्बल है, ऐसा नहीं होता। स्टोन में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि हम बोलते हैं मार्बल, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सो इस क्वार्ट्जाइट। सो अगर हम प्रॉपर ओरिजिनल मार्बल की बात करते हैं तो दैट कम्स फ्रॉम यूरोप। अच्छा, ये एक है। अब उसके अंदर भी इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं बिकॉज एक तो यूरोपियन मार्बल का जो पॉलिशिंग और ग्लॉस है, ग्लेज है, वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट का या गल्फ कंट्री के मार्बल का, सो बीइंग अ लाइमस्टोन और हार्ड लाइमस्टोन, उनका जो पॉलिशिंग स्पैन है वो साल डेढ़ साल से ऊपर नहीं होता। वहीं एक अच्छा यूरोपियन मार्बल का जो पॉलिशिंग लाइफ है वो 8 से 10 साल तक मेंटेन रहता है। सो अगर क्वालिटी मार्बल की बात की जाए कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ गुड मार्बल, सो सबसे क्वालिटी, एक सबसे पहला जो पैरामीटर है कि मार्बल में कितना ग्लॉस आता है और कितने लंबे समय तक ग्लॉस वो सस्टेन करता है। सो दैट्स द फर्स्ट पैरामीटर एंड फर्स्ट क्वालिटी पैरामीटर। ओके। एंड सेकेंडली उसके अंदर आता है कि आज मार्बल में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कस्टमर फेस करता है कि बहुत ज़्यादा कैविटीज, क्रैक्स, फिलिंग्स आता है। सो जिस मार्बल में सबसे मिनिमाइज कैविटी होगा या नॉन कैविटी, नॉन क्रैकिंग, फिलिंग का स्टोन होगा, दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मार्बल्स। सो ये दो क्राइटेरिया है जिससे मार्बल को क्वालिटी वाइज, पैरामीटर वाइज डिफ्रेंशिएट करते हैं। वंडरफुल। सो दुष्यंत जी, वी हैव कम टू सी सम प्रोडक्ट्स, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो सर पहले आपको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ कि अभी तक मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा था। ना अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट मार्बल का, सो यूजुअली बेज वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर्स टिल डेट तक जी। बट जैसे बेज का हम बात करें तो दीज आर सम ऑफ द बेज कलर्स जिसमें हम बात करते हैं परलैटो सिसिलिया, परलैटो रॉयल, डी मार्टिनो। सो ये प्योर बेज कलर सेगमेंट में आ जाता है। ओके।
अब नाउ मार्केट हैज़ चेंज. अब हम बात करें कि जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि आज मार्बल में जजमेंट कैसे लिया जाए कि कौन सा मार्बल क्वालिटी वाइज बेटर है, कौन सा इन्फीरियर है, कौन सा सुपीरियर है. सो अभी मैं आपको पहले एक ये ब्रीफअप करता हूँ कि कौन सा मार्बल क्वालिटी वाइज इन्फीरियर है, कौन सा सुपीरियर है. सो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर आप इस मार्बल को देखेंगे, दिस इज़ अ बेज कलर मार्बल कॉल्ड परलेटो. नाउ होता क्या है, जब हम इस परलेटो या बोटोचिनो या कोई भी सीरीज की बात करते हैं, सो मार्बल में जो ये वेन स्ट्रक्चर आता है, जो मार्बल में नसें हैं, बेसिकली यही पत्थर का एक वीक पॉइंट है. और कह सकते हैं कि जो बेसिकली पत्थर में कैविटी फिलिंग आता है वो उनकी नसों में आता है. अच्छा. अगर आप इसको हाथ लगा के टच करेंगे यू कैन फील द वेन स्ट्रक्चर ऑल्सो. ओके, ठीक है ना. सो अब होता क्या है कि फॉर द टाइमिंग जब इन मार्बल को लगाते हैं, लगाते समय हम इनमें एपॉक्सी केमिकल फिलिंग करते हैं और फॉर द मतलब साल डेढ़ साल दो साल के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता. बट इन द लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ड्यू टू क्लाइमेटिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, कोई भी अगर मैंने केमिकल से इसको फिलअप किया है तो कभी ना कभी वो केमिकल उसमें से निकलेगा. अच्छा. तो कस्टमर को ऐसा लगता है कि यार पहले तो मेरा मार्बल क्रैक नहीं था, एकदम से क्रैक कैसे डेवलप हो गया. क्रैक नहीं डेवलप हुआ, जो मैंने केमिकल इसमें भरा था वो निकल गया. अच्छा. सो जितने भी वेन स्ट्रक्चर मार्बल्स आप परचेस करेंगे उसमें वो इश्यू आएगा. सो फर्स्ट सजेशन, अगर आप कहते हो कि दुष्यंत मेरे को मार्बल ऐसा चाहिए जिससे मुझे लाइफ टाइम क्रैकिंग का और कैविटी का इशू ना आए, सो देन आई विल रिकमेंड यू कि आप कभी भी वेन स्ट्रक्चर वाला मार्बल परचेज ना करें. अच्छा. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कौन से मार्बल है जिनमें वेन स्ट्रक्चर नहीं है. एग्जैक्टली, सो लेट्स कम टू दिस सेक्शन. ठीक है, ऑलराइट. सो these are the ones. So these are the ones जिनको हम 100% cavity free, crack free marbles हम लोग guarantee के साथ हम लोग customers को हम push कर रहे हैं. Okay. लेकिन common man के लिए बड़ा मुश्किल होता है इसको distinguish करना, तो आप मुझे suggest कर पाएंगे कि किस तरह से इसको identify करना है? Yeah. मुझे भी ये veins जैसा ही दिख रहा है. For example क्या है, जो अगर आप उस पर हाथ लगाते थे ना, तो उसमें basically नसें और जो vein structure है वो clearly visible था. अच्छा. ये जो character है ना, this is a self character, this is a spider character. Okay. अब इसमें कोई भी नसें या veins नहीं है, जो भी pattern है वो self में है. Okay. बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि इसका मतलब जब भी आप मार्बल इंपोर्टेड मार्बल खरीद रहे हैं तो ये मार्बल खरीद लें, ये इसकी लाइफ ज्यादा लंबी है, इसकी लाइफ ज्यादा होगा. ठीक है. नाउ सेकेंडली कमिंग टू द सेकेंड पैरामीटर, अब ये जितने भी मार्बल्स हैं इनको हम फ्यूजन कलर्स बोलते हैं, दीज आर नॉट प्योर बेज कलर्स. अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन ग्रीगी और रॉबिको और आइदर ओडियन बेज और आइदर बर्बरी ओशियन और आइदर कुस्तोनाची मार्बल्स, ये जितना भी यहाँ पे सेगमेंट है ये सब कुछ ना कुछ इसमें ग्रे बेज का कॉम्बिनेशन है या स्मोकी ग्रे का कॉम्बिनेशन है. दीज आर ऑल कॉल्ड फ्यूजन कलर्स. नाउ अब जो हम बात कर रहे थे कि बेज कलर्स थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, द रीजन बीइंग जब हम फ्लोरिंग में बेज कलर को यूज करते हैं तो वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू द इंटीरियर्स. फिर हमारा जो इंटीरियर है वो भी हमारा वो वुडन वेंगे ब्राउन के इर्द गिर्द ही घूमता है. right. आजकल जो नए कलर्स हैं दोज आर बेसिकली ग्रेस आजकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं. पेस्टल कलर्स आजकल इंटीरियर से बहुत यूज होते हैं. राइट. सो उन पेस्टल, फॉर एग्जांपल आज अगर मैं घर का प्लानिंग कर रहा हूँ तो आर्किटेक्ट का एक चॉइस होता है कि मैं एक बेडरूम को मैं ग्रे में प्लान कर दूं, एक के अंदर मैं पेस्टल कलर्स लाइक सी ग्रीन ब्लू पर्पल इस तरह के शेड्स को यूज किया जाए. सो इन कलर्स के साथ आई एम नॉट बाउंडेड, आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक कलर चॉइस. इसके साथ मैं मल्टीपल कलर चॉइसेस यूज कर सकता हूं. करेक्ट. सो दिस इज, ये बड़ी अच्छी आपने बात कही कि क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे इस तरह के फीडबैक आते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं डिजाइन के बारे में, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज द फ्लोरिंग, क्योंकि फ्लोरिंग बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एनी कलर डिसीजन. जब भी हम आइडिया इंटीरियर डिजाइन डिसाइड करने की सोचते हैं तो फ्लोर एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाते, और फ्लोर के रेस्ट्रिक्शन इतने कलर्स के कि उसमें बहुत सारे कलर्स लोग चूज नहीं कर पाते थे. बट दिस रेस्ट्रिक्शन इज नॉट अवेलेबल, नॉट देयर एनी मोर, इट डजंट एग्जिस्ट, है ना. तो ये कलर्स हैं जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब इसकी एक और प्लस पॉइंट है, ये जितना भी कलर कलेक्शन आप देख रहे हैं जी, इन कलर्स का कंप्लीट नॉर्थ इंडिया का होल एंड सोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्ट राइट्स इट्स विद राधा माधव मार्बल्स. लाइक इन सम माइंस के साथ में वी हैव गॉट अ स्पेशल एग्रीमेंट. और जैसे ये जो फोर कलर्स आप देख रहे हैं, ग्रीगी और रॉबिको ओडियन एंड बर्बरी ओशियन कुस्तोनाची, इसका तो पैन इंडिया इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट हमारे पास में है. okay. so, राधा माधव इज ओनली इंपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस प्रोडक्ट. कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी मटेरियल है हम लोग ब्लॉक्स इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूरोप. अच्छा. ये प्रोडक्ट्स मोस्टली फ्रॉम ग्रीस, टर्की, इटली, पोर्चुगल, चार जगह से प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं. और ये ब्लॉक्स बाय शिप हमारे पास में मुंद्रा पोर्ट आते हैं एंड वी डिलीवर इट टू किशनगढ़. किशनगढ़ हम लोगों का खुद का प्रोसेसिंग यूनिट है और हमारा मदर हाउस भी किशनगढ़ के अंदर ही है. ओके. सो हम लोग ब्लॉक्स वहां पे हमारी फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस होता है किशनगढ़, एंड वहां से फिर ये हमारे अराउंड 32 डीलर नेटवर्क्स और प्लस दिल्ली के अंदर जो भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स को सर्व कर रहे हैं या रिटेल्स कर रहे हैं, वो सब फिर हम अपने दिल्ली स्टॉकयार्ड से उनको सर्व करते हैं.
ओके तो इन केस अगर कोई हमारे जो आउटस्टेशन वाले व्यूअर्स हैं बेसिकली और वहाँ से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आपके डीलर नेटवर्क से भी बात कर सकते हैं। डेफिनेटली एंड मोस्टली अगर हम लोग वैसे पैन इंडिया जो सर्व कर रहे हैं कस्टमर्स हमारे पास में किशनगढ़ ब्रांच भी आते हैं। किशनगढ़ जो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वी हैव गॉट अ बिग स्टॉक यार्ड देयर, अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 1 लाख स्क्वायर फीट वेयर हाउस इज देयर, 150,000 स्क्वायर फीट हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, इट्स अ बिग सेटअप। और दिल्ली के अंदर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्प्ले शोरूम वी हैव गॉट 4 वेयर हाउसेज राइट जो स्ट्रेटेजिकली बहुत नियर बाय लोकेटेड है इन कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया, मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया, मानसूर गार्डन। सो वी हैव गॉट ह्यूज वेयर हाउसेज। सेगमेंटेशन वाइज हमने कैटेगराइजेशन वाइज जैसे व्हाइट को एक अलग स्टॉक यार्ड में रखा हुआ है, ग्रेस को एक अलग रखा हुआ है, बेज को एक अलग स्टॉक यार्ड में रखा हुआ है। सो कस्टमर को हम पूरा रेंज पैन इंडिया हम यहाँ से सर्व कर सकते हैं। ऑल राइट ठीक है। मैं आई एम जस्ट वंडरिंग मेरे को काश आई मीन इट्स एन अमेजिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। आई विश आई वॉज मोर प्रिपेयर्ड बट आपने मुझे पूरा का पूरा एक लर्निंग बता दिया कि किस तरह से मार्बल को चूज़ करना है। अब ये अगर प्राइस की बात करें इनकी जो अब हमारे पास अभी डिस्प्ले में है या आगे हम और देखेंगे अभी ये क्या रेंज में मिल जाएंगे सारे? देखिए अब अगर हम इम्पोर्टेड मार्बल का बात करते हैं या स्पेसिफिकली इटालियन मार्बल का बात करते हैं तो प्राइस वैसे तो 200 रुपीज़ ऑनवर्ड्स शुरू हो जाता है। अच्छा आज एक 200 रुपये से एक अच्छा क्वालिटी का ठीक ठाक मार्बल शुरू हो जाता है। बट अगर हम इस एक्सक्लूसिव रेंज का बात करते हैं जिसको हम 100% आज क्रैक फ्री बोल रहे हैं या ट्रेंडी कलर्स बोलते हैं या फ्यूजन कलर्स बोलते हैं, सो इन कलर्स के लिए आपको ऑन एन एवरेज 250 रुपये से लेकर 350 रुपये पर स्क्वायर फीट के पैरामीटर में ये फ्लोरिंग के ऑप्शन आपको आ जाते हैं। ओके ठीक है। और ये फिनिश्ड होते हैं, रेडी टू यूज होते हैं? दीज आर रॉ। ये मार्बल जो भी होता है वो लगने के बाद पॉलिश होता है। अच्छा लगने के बाद पॉलिश, इंस्टॉलेशन एंड पॉलिश अलग से होगा। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कस्टमर को हमसे सर्विस चाहिए फॉर इंस्टॉलेशन एंड पॉलिशिंग ऑल्सो, सो हमारे पास में इन हाउस टीम है। हम लोग फैब्रिकेटर्स भी प्रोवाइड करते हैं, हम लोग पॉलिशिंग का टीम भी प्रोवाइड करते हैं पैन इंडिया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो मेयर पंच पॉइंट है, हमारा कंपनी की तरफ से टेक्निकल सुपरविजन भी साइट्स पे हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। अच्छा जो सबसे बड़ा चैलेंज मार्बल में आता है कि यार मार्बल को कैसे फिक्स किया जाए, जॉइंट कैसे मिलाया जाए, फिगर्स कैसे मिलाया जाए, साइज आइडल साइज क्या होना चाहिए, वेस्टेज तो नहीं होनी चाहिए right. तो हम लोगों का एक डेडिकेटेड एरियाज में हमारे टोटल जैसे दिल्ली NCR में 6 टेक्निकल सुपरवाइजर्स काम करते हैं, उन टेक्निकल सुपरवाइजर्स को हम वीकली बेसिस पे साइट्स के ऊपर विजिट करवाते हैं। तो उनका काम ये देखना है कि साइट पे कारीगर या फैब्रिकेटर आइदर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय मी और इट्स क्लाइंट का खुद का फैब्रिकेटर है, वो आज वेस्टेज तो नहीं कर रहा है, क्या साइज को वो यूज कर रहा है, जॉइंट्स प्रॉपर वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है ताकि जॉइंट फिर लुक आए, पॉलिशिंग के अंदर जो प्रॉपर 16-17 एब्रेसिव्स चलने चाहिए जिससे प्रॉपर डायमंड पॉलिशिंग का लुक आता है, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ नहीं हुआ ताकि जो फाइनल आउटपुट है इट शुड बी 100% सेटिस्फैक्ट्री। तो दैट इज ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड बाय अवर कंपनी राधा माधव मार्बल्स। कूल ठीक है। तो मोस्टली हमने यहाँ पे अभी हमारे स्टॉक में हमने देखा जो पहले चलते थे विद वेन्स वाले कुछ मार्बल्स और कुछ वो जो लेटेस्ट है। अब आपके पास और भी बड़ी इन्वेंट्री होगी, आई अंडरस्टैंड पूरा दिखाना बहुत मुश्किल होता है, बट कैन वी चेक आउट समथिंग इन इन्वेंट्री? मैं आपको अपने स्टॉकयार्ड पे ले जाता हूँ, वेयर हाउसेज पे जहाँ फिजिकल इन्वेंट्री रखते हैं किस फॉर्म में है और आप उसमें पूरे स्लैब्स का लुक आप देख सकते हैं। सो चलिए आपको मैं चलिए वहाँ चलते हैं। ओके सर पहले इस मार्बल का बात करते हैं जो सबसे हॉट केक सेलिंग है मेरे यहाँ पे, वी कॉल इट कुस्तोनाची बुल्गारी। अच्छा ये ओरेकल ग्रे के नाम से भी पुश हो रहा है और कुस्तोनाची बुल्गारी के नाम से भी हम लोग इसे प्रमोट करते हैं। ये प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है दिस इज फ्रॉम साउथ इटली सिसिली का प्रोडक्ट है ये। ओके और ये प्रोडक्ट वन ऑफ दोस प्रोडक्ट है जिसको हम 100% क्रैक फ्री कैविटी फ्री मार्बल बोल के हम लोग दे रहे हैं। ओके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो कलर आप देखोगे ये जो फ्यूजन कलर का हम बात कर रहे थे दिस इज वन ऑफ द फ्यूजन कलर्स जिसमें आप हल्का सा सिल्वर ग्रे आइवरी फॉन बेज तीनों चारों कलर्स का कॉम्बिनेशन देखोगे। राइट राइट एंड स्लैब साइजेस आर वेरी बिग, इसका बुक मैच कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर बनता है और प्राइस रेंज भी इसका आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 250-300 के पैरामीटर में इसके आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है ऑल राइट तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है एंड दिस इज नंबर 2 जी बताइए। ये अनदर हमारा सबसे हॉट केक सेलिंग प्रोडक्ट है, वी कॉल इट बर्बरी बेज। ओके इसमें दो शेड्स आते हैं, एक बर्बरी बेज आता है एंड दिस इज बर्बरी ग्रे। इसमें ग्रे टोन है, हाँ, इसमें हल्का सा ग्रे टोन है इसलिए वी कॉल इट बर्बरी ग्रे एंड वो हल्का सा बेजिश है वी कॉल इट बर्बरी बेज। ओके ये दोनों ही प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है दीज आर फ्रॉम ग्रीस। ओके एंड अगेन द प्राइस सेगमेंट की हम बात करते हैं तो वही हमारा 250-300 के ब्रैकेट में हमको ये दोनों प्रोडक्ट का रेंज आ जाता है।
नाउ डिपेंड्स अपॉन थिकनेस, क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें हम 16 mm एंड 18 mm दोनों का इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं एज पर द डिमांड। अगर कहीं थोड़ा सा प्राइस कॉशियस है साइट तो वी गिव इट 16 mm, बट इफ कस्टमर इज विलिंग टू पे एक्स्ट्रा देन वी प्रोवाइड 18 mm ऑल्सो इन थिकनेस। ठीक है, और ये जितने भी मार्बल्स होते हैं तो सब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, मतलब फ्लोरिंग में और वर्टिकल भी लगते हैं। फ्लोरिंग एंड वॉल क्लैडिंग दोनों के लिए स्टोन है। इनफैक्ट या फ्लोरिंग के साथ साथ इनको आप वॉशरूम में कॉम्बिनेशन हो गया, इनफैक्ट फीचर वॉल्स हो गया, स्टेयर केसेस हो गया, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ऑल राइट, ठीक है, वी गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो दुष्यंत जी, टोटल नंबर ऑफ कितने वैसे मार्बल्स की वैरायटी हमारे पास? सर वैसे तो मोर देन 250-100 वैरायटीज ऑफ स्टोन्स हमारे पास में है। आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल ऑफ देम। तो आप मुझे टॉप सेलिंग बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा चल रहे हैं। टॉप सेलिंग जो 8-10 हमारी कोर वैरायटी है, जो हमारा कोर इंपोर्ट है, उन्हीं प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं जो हमारे की सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। ऑलराइट, वी हैव सीन टू, नाउ द थर्ड वन। सो थर्ड वन इज, दिस इज अलास्का व्हाइट, दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ग्रीस। अच्छा, और ये प्राइस सेगमेंट हमारा जो पिछली वाली रेंज है इससे थोड़ा ऊंचा जाता है, ये 350 रुपीस पर स्क्वायर फीट का सेगमेंट आ जाता है। अच्छा, नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज, आज जो जनरल व्हाइट का क्राइटेरिया है, व्हाइट का सेगमेंट वैसे 500-700-1000 रुपए फुट तक की रेंज में भी जाता है। right. बट ये व्हाइट आपको कस्टमर जिनका व्हाइट का टेस्ट है एंड दे वांट इन अ रीजनेबल बजट, तो ये प्रोडक्ट उनको सर्व कर जाता है। बिकॉज एक बार उसमें देखोगे ये व्हाइट के साथ में इसका जो कलर टोन है इट्स मोर लाइक सिल्वरिश ग्रे या मून, बेसिकली मूनिश व्हाइट कलर है, इट्स नॉट प्योर व्हाइट, इसमें हल्का सा मून व्हाइट सिल्वर व्हाइट टोन है एंड विद द स्पाइडर कैरेक्टर, सो इटालियन पैटर्न बैकग्राउंड है विद द व्हाइट कलर टोन, सो दिस इज ऑल्सो वेरी हॉट केक राइट नाउ, मतलब मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है, आर्किटेक्ट्स का इस समय फर्स्ट चॉइस है। ऑलराइट सर, इसका जो पॉलिशिंग हो जाएगी तो थोड़ा चेंज आएगा क्या इसके ग्लेज में? ऑफ कोर्स, वो ग्लेज इंप्रूव हो जाएगा, अभी सब पे फाइनल डायमंड पॉलिशिंग नहीं है, डायमंड पॉलिश होकर ग्लेज बढ़ता है, ग्लेज बढ़ता है। और ये स्किडिंग का भी साथ में बता दीजिए मुझे, देयर इज नो स्किडिंग इशू ना वहां पे? ठीक है, स्किडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड दिस इज द नंबर फोर्थ, ये आपका ग्रीगिया रॉबिको, वी कॉल इट स्मोकी ग्रे ऑल्सो। इसमें आप देखोगे अगेन थोड़ा सा कैफे एंड स्मोकी ग्रे कलर का फ्यूजन टोन आता है। नाउ ये जितने भी स्टोन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीज आर ऑल आवर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, और प्रीमियम का गारंटी ये है कि कोई भी प्रोडक्ट नॉट ओनली फ्रॉम लोडिंग अनलोडिंग, आज कटिंग फिक्सिंग तक भी डैमेज होता है तो हमारी कंपनी से रिप्लेसमेंट गारंटी है। कटिंग फिक्सिंग तक भी, इंस्टॉलेशन में भी, जो भी प्रीमियम प्रोडक्ट हम बोल के दे रहे हैं इट्स अ गारंटी कि आज कोई भी स्लैब हमसे लेके जाते हो, सो नॉट ओनली लोडिंग अनलोडिंग, अगर कोई भी स्लैब आपका काटने में लगाने तक फैब्रिकेशन तक कहीं भी किसी प्रकार का डैमेज आता है तो दैट विल बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम आवर कंपनी, दिस इज 100% गारंटी फ्रॉम आवर कंपनी। ऑलराइट, एंड यू सेड दिस इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, ये प्रीमियम क्वालिटी में है, ये क्या रेंज में होगा अप्रोक्सीमेटली? दिस कम्स 300-325 रुपीस पर स्क्वायर फीट। ठीक है, वी गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ द वाइट इज माय फेवरेट सर, एंड यू सेड ये भी आप क्या हॉट सेलिंग में होता है, व्हाइट इज वेरी पॉपुलर ना। ऑफकोर्स जो व्हाइट है वो व्हाइट का चार्म लोगों का अलग है। अगर हम बात करें व्हाइट कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, राइट, एंड सबसे ज़्यादा मार्बल में अगर एक्सेप्टेबिलिटी बोले तो आज ही व्हाइट का है, करेक्ट। बट व्हाइट का जो कॉस्ट ब्रैकेट है वो आज 500 से लेके ऊपर में 1000-1200-1500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जा सकता है। सो व्हाइट का प्राइस ब्रैकेट बहुत बड़ा है जी, एंड मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। sure. जैसे व्हाइट में इनमें स्टेन का भी एक बार बताते जाइए मुझे, इनमें स्टेन का इशू नहीं होता ना? देखिए व्हाइट में कुछ पत्थर हैं जिनमें स्टेनिंग का प्रॉब्लम आता है। अच्छा, उनमें जैसे हम व्हाइट के अंदर जब बात करते हैं तो ऑफकोर्स ये मेंटेनेंस इसमें डिमांड है। okay. आप ऐसा नहीं है कि व्हाइट को एकदम रफ एंड टफ यूज कर सकते हो जी, उसको थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन तौर पे लेना पड़ेगा कि आज जैसे कुछ भी जिस पे गिर गया या स्पिल हो गया तो आपको इंस्टेंटली साफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टी कॉफी वाइन, टी कॉफी वाइन ऐसा नहीं गिरा और एकदम से स्टेन पड़ गया, बट अगर आप इमीडिएटली उसको क्लीनिंग मांगता है आप ऐसा नहीं उसको ओवरनाइट छोड़ दोगे तो अगले दिन स्टेनिंग पड़ने के चांसेस हैं। और ये कुछ मार्बल में ऐसा नहीं, सारे मार्बल स्टेन पड़ते हैं, बट वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो थोड़े से मार्बल में स्टेनिंग का इशू आ सकता है। राइट नाउ मैं उसी में भी प्रीमियम रेंज का बात कर रहा हूं जिनमें ये सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं है, जैसे अभी सतवारी और बास काटो है। ओके, तो वेरी पॉपुलर ब्रांड, वेरी पॉपुलर ब्रांड, सतवारियों की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छा है। देन सतवारियों काला काटा, ओके, ये हमने बुक मैच बना के स्लैब यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, बुक मैच अगर सर बोल रहे हैं तो उन लोगों के लिए जो हमारे बिजनेस जितने हमारे बिल्डर्स हैं वो समझते हैं, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर समझते हैं, पर नॉर्मल लोगों के लिए बुक मार्क बता दीजिए सर, बुक मैचिंग इस तरीके से जो पत्थर का दो पीस का रेशा है जो फिगर बनता है ना, जैसे आप ये देख रहे हैं तो दो पीस का स्लैब के अंदर पूरा टेक्सचर फॉर्म हो रहा है तो इसको बुक मैच कहा जाता है। ओके, मैचिंग लाइन टू लाइन, जो मैचिंग लाइन टू लाइन। ओके, कूल, ऑलराइट, ये भी वाइट है जिसमें थोड़े ग्रेन्स स्ट्रॉन्ग है। सर आपके लेफ्ट में भी कुछ थे जो प्योर वाइट है, है ना? हाँ, ये आपका स्विस वाइट है, इट्स कमिंग फ्रॉम वियतनाम। ओके, ऑलराइट, ये भी एक वाइट है। हाँ, बट मैं आपका ध्यान इस पे लेना चाहूंगा, ये हमारा वाइट में वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सेगमेंट आता है, इट्स कॉल्ड बेल्जियम वाइट। अब
एक तो ये फ्लॉलेस एब्सोल्यूट वाइट है, दूसरा ये 18mm पूरा मटेरियल हम प्री पॉलिश पुश कर रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक आपको शिमर इफेक्ट दिखेगा, इसमें क्रिस्टल्स हैं, इफ यू विल सी इट केयरफुली इसमें हल्के 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 क्रिस्टल्स हैं, इसमें शिमर आता है, सो ये एब्सोल्युटली ब्लैंक नहीं है, मतलब व्हाइट होने के साथ साथ इसमें कुछ करेक्टर है, जैसे ही फ्लोरिंग पर लगने के बाद इसमें फॉल सीलिंग से लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है, इसका क्रिस्टल ग्लो करता है, सो ये इसका एक बहुत अच्छा यूएसपी है, एंड टेक्निकली इट्स वेरी हार्ड स्टोन, इसमें किसी प्रकार का भी स्टेनिंग स्पॉटिंग का इशू नहीं आता, दैट्स आल्सो गारंटी, ओके, बस आप चाय कॉफी तेल जो मर्जी डालो, तो इट्स एक्सट्रीम हार्ड, ऑलराइट, नथिंग टू वरी। ये क्या साइज में है सारे अवेलेबल? देखिए मार्बल का साइज सब रैंडम आता है, नथिंग फिक्स, बट ऑफकोर्स हाँ एक लेंथ हम बात कर सकते हैं कि 7 फुट से लेकर 10 फुट तक लंबाई मिल जाता है, और हाइट का अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4 फीट से लेकर 6 फीट तक हाइट होता है। ठीक है, हमने सर अभी बहुत सारे वाइट देख लिए, रेंज बताना थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मुझे बता दीजिए, बिकॉज ये स्पेसिफिकली हमारा स्टार्ट्स फ्रॉम 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंड गोज अप टू 550 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक का, और जो पीछे हमने देखे थे वो भी लगभग यही रेंज के होंगे। सत्वारी थोड़ा कॉस्टली है, वो 850 से 900 का ब्रैकेट है, देन काला काटा जो है वो 800 का ब्रैकेट है, ये 500 से 550 का ब्रैकेट है मान के चलो, स्क्वायर फीट है पूरा। देन ये एक माइकल एंजलो का रेंज आ जाता है, दिस इज फ्रॉम पोर्चुगल, ये थोड़ा सा ऑफ वाइट टोन में आता है, जो माइकल एंजलो है आप देखोगे इट्स नॉट प्योर व्हाइट, हल्का सा शैंपेन व्हाइट या ऑफ वाइट टोन में आता है, तो दिस कलर टोन इज वेरी पॉपुलर अमंग द आर्किटेक्ट्स आल्सो। इसका भी जो प्राइस ब्रैकेट है आज बहुत वाइड है, मतलब ये आज स्पेसिफिकली स्लॉट का बात करूं तो ये 850-900 रुपीज है, बट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंड गोज अप टू 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ओके ठीक है, ऑल राइट, व्हाइट में भी बहुत सारी वैरायटी है, आई वाज नॉट अवेयर कि व्हाइट में भी इतनी बड़ी रेंज होती है, दिस ऑल व्हाट यू गेट टू सी ऑन स्क्रीन इज दी व्हाइट, ये भी एक व्हाइट का अलग, ये भी वो बेल्जियम व्हाइट का एक फर्दर ऑप्शन है, बेल्जियम व्हाइट हो गया, ओके, देन दिस इज वर्सेलिस बियानको रोजो, ओके, इसमें आप देखोगे व्हाइट में हल्का सा रस्टिक ब्राउन कलर का टेक्सचर आता है, सो दिस इज मोस्टली यूज ऑन क्लैडिंग, आज कोई फीचर वॉल को हाईलाइट करना हो, वॉशरूम्स में लगना हो, तो दिस इज वाइडली यूज्ड ऑन द वॉल व्हिच वी नीड टू बी हाईलाइटेड। ओके अच्छा, मतलब जो जैसे फीचर वॉल बनाते हैं, एक्सेंट वॉल बनाते हैं, जो उसके हाईलाइटर की तरह इस्तेमाल हो सकता है ये। अच्छा, बाथरूम के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, ठीक है सर। क्या रेंज में था जो अभी आपने बताया अप्रॉक्सीमेटली? 450 रुपीज़ पर स्क्वायर, 450 के रेंज में होगा, ठीक है। इसमें वाइट में कुछ लाइन्स हैं, स्ट्राइप्स हैं, दिस इज कॉल्ड मरमरा पांडा वाइट, ये पत्थर जो है ये टर्किश ओरिजिन का है, कमिंग फ्रॉम मरमरा आइलैंड फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, ओके, ये यूरोप का वन ऑफ द ट्रेडिशनल मार्बल्स है, जितने भी पुराने आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स बनते थे यूरोप में, ओके, कम्प्लीटली जो भी आप हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स देखोगे वो सब इसी स्टोन में बनते थे, तो इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, तो आप इसको यूरोप का मकराना बोल सकते हो। अच्छा, तो फिर तो इसको एक्सटीरियर में भी अच्छा फसाड के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्सटीरियर के लिए वर्टिकल, बिल्कुल, ऑल राइट, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया है ये, एंड ये लाइंस मैच हो जाती हैं इनकी पूरी, कंप्लीटली ये वेंस टू वेंस टेक्सचर टू टेक्सचर पूरा मैच हो जाएगा। ये क्या रेंज में बताया आपने? इसका प्राइस सेगमेंट जो है ये रीजनेबल प्राइस सेगमेंट में है, 250-350 के पैरामीटर में ही आ जाता है। ठीक है, सो वी हैव सीन बेज, वी हैव सीन ग्रे, वी हैव सीन वाइट, डू वी हैव समथिंग इन ब्राउन और ब्लैक? हां आइए आपको ब्राउन, ओके, सो दुष्यंत जी नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? सो पहले हम आप ब्लैक का बात करते थे, पर उससे पहले मैं आपका ध्यान कुछ ग्रे कलेक्शंस की तरफ लाऊंगा। अच्छा, ऑफ कोर्स जो ग्रे इज आल्सो वेरी पॉपुलर राइट नाउ इन द मार्केट, राइट, सो ग्रे के अंदर एक ये प्रोडक्ट है हमारा, इट्स कॉल्ड हाशताश ग्रे, प्रोडक्ट कलर नेम इज बॉस्को डी फियरो, सो ये कलर भी इस समय फ्लोरिंग पे वाइडली यूज हो रहा है जी, जो भी आज बड़ा एरियाज हैं, ओके, लाइक आज 500 स्क्वायर यार्ड या 1000 स्क्वायर यार्ड्स के जो ड्राइंग रूम लॉबी के एरियाज हैं, जहां एक प्रॉपर बुक मैच भी कस्टमर को पसंद हो, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर ग्रे के अंदर डार्क ग्रे का स्ट्रीक्स है, तो हल्का व्हाइट का स्ट्राइप्स है, राइट, सो दिस इज आल्सो वेरी पॉपुलर। देन एक ग्रे के अंदर ये साइप्रस ग्रे है, ये ग्रे के अंदर एक ऑलिव ग्रे टोन है, इस ग्रे के अंदर आप देखोगे थोड़ा सा ब्राउनिश एंड ऑलिव टोन मिक्स्ड है, राइट, सो दिस इज आल्सो वेरी पॉपुलर। ओके, एंड देन ये क्या रेंज में होंगे? प्रीमियम रेंज के हैं? हाँ, ये सब वही 300 से 350 का ब्रैकेट है। ओके, देन वी कम टू ब्लैक्स, ब्लैक के अंदर जैसे एक ये गोल्डन पोत्रो है, दिस इज वेरी पॉपुलर, अगेन अगर हम इसका एप्लीकेशन का बात करें तो वॉशरूम्स हो गया, फीचर वॉल्स हो गया, लिफ्ट का फेशिया हो गया, ओके, आप ड्राइंग रूम लॉबी में कोई वॉल हाईलाइट करना चाहते हो, स्टेयरकेसेस में यूज करना चाहते हो, तो कलर्ड मार्बल जो भी बेसिकली ब्लैक्स ब्राउन्स है, जो डार्क कलर है, उनकी एक स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन है, दीज आर नॉट वाइडली यूज्ड ऑन फ्लोरिंग बट जनरली ऑन फीचर एरियाज। सर, दिस कैन बी यूज्ड इन द ऑन द काउंटर्स एज वेल, जो रिसेप्शन काउंटर्स होते हैं उनको बनाते हैं, डाइनिंग टेबल टॉप्स हो गए, काउंटर्स हो गए, अच्छा डाइनिंग टेबल टॉप भी बन सकता है, उन सब पे भी आप इसको यूज करते हैं, मोस्टली जितने भी आपके फर्नीचर वेंडर्स हैं वो हमसे मार्बल लेकर जाते हैं फॉर द टेबल टॉप्स एंड काउंटर्स आल्सो। अच्छा अच्छा, ओके, तो होटल का रिसेप्शन आपने बताया, वहां पे वर्टिकल लगा सकते हैं इसको, डाइनिंग टेबल
का टॉप, सेंटर टेबल का टॉप, साइड टेबल्स का टॉप लोग बनाते हैं ना, राइट। एंड दिस इज वन मोर ब्लैक पीछे, इसी में ब्लैक के अंदर ये मेटल ब्रॉन्ज है, इसको मेटल रस्ट भी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो थोड़ा सा ब्लैक के अंदर हल्का रस्टिक सा करेक्टर आता है इसके। ठीक है, ये क्या रेंज में होंगे? ये 450 to 500। ओके, इट कम्स एक ब्रूनो परला, इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ये ब्लैक सी के नाम से भी काफ़ी पॉपुलर है इंटरनेशनल मार्केट में, एंड अगेन वेरी ब्यूटीफुल स्टोन फॉर फर्नीचर्स एंड फॉर फीचर कॉल एरियाज। ओके, फर्नीचर की बात जब कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि टेबल टॉप, डाइनिंग टेबल का है ना, टेबल टॉप, सेंटर टेबल टॉप, साइड टेबल्स, बार काउंटर्स, उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, एंड रिसेंटली हमने अपने ग्रुप में डिस्कस किया था ऐसे को, किसी ने इसको बाथरूम में यूज़ किया था ऑन ऑल फोर वॉल्स, इट वॉज लुकिंग अमेजिंग, वर्टिकल बहुत अच्छा दिख रहा था। ये क्या रेंज में है सर? इसका प्राइस सेगमेंट 600 टू 650 के ब्रैकेट में जाता है। ठीक है, वी गो टू द नेक्स्ट वन। चलिए, दुष्यंत जी, दिस इज दी थर्ड लोकेशन है ना, यहाँ पे हम क्या रखते हैं बेसिकली? ये जितना भी कलर्ड कलेक्शन आप मेरा देख रहे थे, जो भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेज, ब्लैक्स, ब्राउन्स के कलेक्शन हैं, उस सबको हमने एक लॉट का ही, पर्टिकुलर लॉट के एक एक स्लैब हमने ब्रीफ अप कर दिया है। अच्छा, तो कस्टमर्स को जाके स्टॉक यार्ड या इन्वेंट्री देखने की जरूरत नहीं है, वो इसी वॉक थ्रू के अंदर सारी स्लैब्स को लाइव देख सकता है और यहीं से सिलेक्शन कर सकता है। तो मोस्टली जितने भी कलर्ड मार्बल का कलेक्शन हमारे पास में है, वो यहाँ सारी स्लैब्स एज अ सैंपल डिस्प्ले में है। वो लोग जो हाई राइज में रहते हैं, क्या दे कैन ऑल्सो यूज मार्बल, क्योंकि ऊपर ले जाने में वेट का प्रॉब्लम नहीं होता ना? ऑफ कोर्स डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ये एक चैलेंज तो है कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन 15th या 25th फ्लोर पे ले जाना है, अपने आप में बहुत बड़ा एक महाभारत है, लेकिन फिर भी जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे पास में स्किल्ड लेबर है और हमारे पास में काफ़ी अच्छे जो लॉजिस्टिक्स है, डिस्पैच डिपार्टमेंट है, जिसको सेफली ट्रांजिट कर देता है, नथिंग टू वरी। ठीक है, उनको छोटे पीसेज में काटने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े पीसेज भी जा सकते हो जाता है, क्योंकि जनरली सोसाइटीज के अंदर गुड्स, अपना गुड्स लिफ्ट अलग से होता है, उसके अंदर बड़े बड़े स्लैब्स चले जाते हैं, मोस्टली तो चले जाते हैं। कहीं अगर ऐसा फैसिलिटी ना हो तो उसको हम स्लैब को 1/2 या 1/3 करके तब डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है, देखिए वॉक एंड टॉक में हमने बहुत सारे कलर्स देख लिए आपके लेफ्ट एंड राइट पे। बिल्कुल ठीक है सर, जो भी प्राइस आपने हमें बताए थे और जो हमारे बिल्डर व्यूअर्स हैं जो कि बिल्डिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, क्या उनके और रिटेल की प्राइस में थोड़ा फर्क होता है क्या दोनों में? देखिए फर्क आता है क्वांटिटी के ऊपर, ऑफ कोर्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का जहाँ क्वांटिटी एडअप हो जाता है तो वहाँ प्राइस में ऑफ कोर्स एक बेनिफिट आता है जी, और जहाँ क्वांटिटी अपने आप में एक थोड़ा सा बाउंड है, एक अगर लिमिटेड है, 500 स्क्वायर फीट की क्वांटिटी में आप समझते हैं और एक 10,000-20,000 स्क्वायर फीट क्वांटिटी में ऑफकोर्स डिफरेंस तो आएगा। ठीक है, और जाने से पहले एक क्रिएटिव टिप आपसे लेना चाहेंगे, जिनके इसमें स्मॉल स्पेसेस होते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में, बोलते हैं कि उनको आप लाइटर शेड के लें या फिर जो जिनमें शाइन या ग्लेज होता है वो वाले मार्बल ले लें, तो यू डू यू सजेस्ट दैट कि जिनके पास स्पेस कम है, छोटे घर हैं, वो लोग लाइटर शेड के लें? ऑफकोर्स जो स्पेस कम है मैं कहूँगा लाइटर शेड्स ही लेना चाहिए, लाइटर के अलावा मैं कहूँगा उनमें मेरे सजेशन है बहुत डार्क कलर्स में ना जाए, जैसे हम ब्लैक्स की बात करते हैं, ब्राउन की बात करते हैं, डार्क ग्रे की बात करते हैं, उनमें ना जाया जाए, उनके लिए फ्यूजन कलर्स में रिकमेंड करूंगा। अच्छा, जो हल्का सा हमने हम वेयर हाउस पे देखा था, जो ग्रे बेज या स्मोक ग्रे या कैफे ग्रे का जो कॉम्बिनेशन है, उन कलर्स को यूज करना चाहिए। मीडियोकर कलर्स कैन बी यूज। हाँ, ये भी एक मिथ है कि एकदम लाइट कलर ही होना चाहिए टुवर्ड्स आइवरी और व्हाइटिश स्टोन के अंदर, तभी मेरा घर बड़ा लगेगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज आजकल घर के इंटीरियर में जो LED लाइट्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो कहीं पे भी स्पेस को एनलार्जमेंट करना हो जाता है वो। सुपर, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। एंड और हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो स्क्रीन पे दिए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, राइट? मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस।